हेलो सप्लीमेंट्स वाला फैमिली, आज वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। रात के बज रहे हैं, पता कितने, देखो आप खुद ही देखो, रात के बज रहे हैं 11:10, 11:15 हो रहे हैं। एक भाई आए हैं स्पेशल, और वो आए हैं बिहार से। तो मैंने उनको बोला मैंने कि भाई मैं स्पेशल आपका वेलकम करने आऊँगा। तो अभी वो जो है मतलब बस से उतर चुके हैं, और मैंने वहाँ पर जो मेरा एक फ्रेंड है उसकी शॉप है, तो मैंने वहाँ पर वो बैठा दिए हैं। मैंने भाई मैं आपको खुद रिसीव करने के लिए आऊँगा, तो अब चलते हैं उनको रिसीव करने के लिए। बाकी आज मैंने भाई का पूरा इंतजाम करा दिया है रुकने का, यहीं रुकेंगे और कल उनके साथ फिर जो है पूरी हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस प्यार का बदला कभी नहीं उतार पाऊँगा जो आप मुझे प्यार, और ये मतलब थैंक यू यार, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स तो सप्लीमेंट्स वाला पर मिलेंगे ही, पर दोस्तों यहाँ पर पूरी फैमिली वाली फील। बिहार से स्पेशल भाई आए हैं और मैं उन्हीं के लिए जागा हुआ हूँ, वरना नॉर्मली जो है मैं सो जाता हूँ इस टाइम तक। और मैंने कि भाई मैं ही रिसीव करने के लिए आऊँगा, उनको पता भी नहीं था। तो दिल्ली से भी पूरा उनको गाइड किया कैसे आना है कैसे नहीं, पूरा इंतजाम कराया, अब वो आए हैं। तो चलो उनको चलते हैं रिसीव करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये भैया आए हैं स्पेशल, और कहाँ से आए जी आप? हम तो बिहार से आए। बिहार में कहाँ से? बेतिया जिला जी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम से कम 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर दूर है। कब के चले हैं आप? कल से चले हैं। क्या नाम भैया का? नवीन कुमार। और आपका? गोविंद कुमार जी। देख रहे हैं दोस्तों, ये है वो प्यार जो भाइयों को खींच लाता है सप्लीमेंट्स वाला। 1200 किलोमीटर दूर से आए हैं यार, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी तो जो है रुकेंगे, इनको भैया को डिनर कराऊंगा, पलवल वाली रबड़ी भी खिलाऊंगा, सब कुछ मंगा के रख रखा है, उसके बाद आराम से सोएंगे, फिर सुबह बात करेंगे। चलो भाई आओ। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं सप्लीमेंट्स वाला। अब तो रात हो रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पहले भैयाओं के साथ डिनर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भाइयों का जो है डिनर चल रहा है बढ़िया, और मैं पूछूंगा भैया कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई कमी नहीं। तो यार मैं चीज़ नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारी खुराक हल्की है यार, क्या चक्कर है? बिहारियों की तो खुराक सॉलिड होती है यार, कैसे? नहीं नहीं हम तो खाते हैं बहुत ज़्यादा यार, मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं खा रहे हो तुम। हम तो इधर से खा लिए, थोड़ा किलो वाले खा लिए, से इधर रुके थे नो तो खा लिए, तो इस करके थोड़ा कम खा लिए। और भाई आपको कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स वाला परिवार के साथ, और अभी तो भाई जो है स्टे करेंगे आराम से, कल सुबह मैं बात करूँगा। मेरे को भी आज जो है ना स्पेशल मतलब एक जगह जाना था, पर जैसे ही मैंने भाइयों का सुना कि आने वाले हैं, मैंने वो प्लान कैंसिल किया, क्योंकि मुझे भाइयों को अटेंड करना था यार। 1200 किलोमीटर दूर से कोई मेरे लिए आ जाए, मैं ये नहीं कहूँगा सप्लीमेंट लेने आए हैं, सप्लीमेंट की कमी कहीं नहीं है, भाई आए हैं प्यार और विश्वास के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर भाइयों का डिनर हो गया है, अब रबड़ी मंगवा दी है पलवल की मशहूर, और अब भी खाएंगे और फिर सुबह भी खिलाऊंगा भाइयों को, क्योंकि खाना खाने के बाद रबड़ी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरी फेवरेट है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं खाऊंगा नहीं यार, मैं वेट लॉस। कैसी है? अच्छी है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और भाई कैसी अब खाओ तो सही, जब तो पूछूंगा। बहुत अच्छा, अच्छी है, खाया, अच्छा खा लिया है। तो दोस्तों आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स विला से, और अभी भाई मैंने कोई सप्लीमेंट की बात तो नहीं करी है? नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं करी, रुको आराम से। भैया कह रहे हो अभी रात में जाना है, अबे भाई कहाँ जाओगे रात में, जाने थोड़ी दूंगा, ऐसे परिवार के सदस्य हो आप, इतनी दूर से मेरे लिए आए हो, और मतलब मैं आपको सप्लीमेंट दे के रात में से यहाँ से रवाना कर दूँ? नहीं रुको, पहले रात में आराम से सुबह ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर भैया करेंगे स्टे, और अब मैं करता हूँ भाइयों से शुभ रात्रि, और सुबह मुलाकात होगी भाइयों से, दोनों भाइयों से। थैंक यू यार आने के लिए इतनी दूर, और भैया बिल्कुल घर वाली बात, बिल्कुल फैमिली वाला। और सुनो यार कुछ भैया हैं ये ना, ये कहते हैं कि ये ना इनके अपने लोग होते हैं, पैसे दे के बुला लेते हैं, पैसे दे बुलाए हैं, कोई इसमें कोई पैसे वैसे नहीं। तो आप भी आइए सप्लीमेंट्स विला। द नेक्स्ट मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली। तो एट द एंड जो है हम सप्लीमेंट्स विला आ ही गए हैं, और यहाँ पर भैया का नाइट स्टे वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। जरा मैं पूछ लूँ भैया कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नहीं नहीं भाई, मतलब कुछ भैया हैं वो कहते हैं कि यार मतलब ये ना कैमरे के सामने कुछ है पीछे से कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, सप्लीमेंट लो तो सप्लीमेंट वाला से, और आओ सप्लीमेंट वाला और जुड़ो यहाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, सस्ते सुस्ते के चक्कर में मत पड़ो जी। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे भैया भी आए हुए हैं। भैया आपने तो कोई सप्लीमेंट नहीं लिया? नहीं नहीं। अच्छा आपको कैसा लगा? भाई देखो ये तो भैया आए हैं सप्लीमेंट लेने, ऐसा हो सकता है मैं इनसे ज्यादा मीठी बातें कर रहा हूँ और आपसे कम मीठी बातें कर रहा हूँ, ऐसी बात तो नहीं? आपको भी कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। फैमिली वाली बात, मतलब ऐसा लगा ना कि भाई दुकान पे नहीं घर में गए हैं। ऐसा हुआ। दोस्तों देख लीजिए, अब आप, यही है मेरा गोल कि इसी तरीके से मैं आपके पीछे लगा रहूंगा। दोस्तों मैंने दिल से आपको फैमिली माना है और इसी तरीके से मैं काम करता रहूंगा। एक बार इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ इनका। भैया नाम आपका? नवीन कुमार। जी कहाँ से आया? बिहार से। ये कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, फैमिली वाले बिल्कुल फील, फैमिली वाले बिल्कुल फील। या क्यों आए हैं आप यहाँ पे तो बता दो यार, सारी बात ठीक है आपकी? क्यों आए हैं कि मेरे को मसल गेन करना है और प्रोटीन लेने आए हैं, और वजन भी बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा, मतलब वजन भी और मसल साइज भी। तो वजन भी बढ़ाना है और मसल साइज भी बढ़ाना है। और भैया आपका क्या नाम है? गोविंदा कुमार। और भैया आप कहाँ से आए हैं?
भैया कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों यहाँ पर वजन प्लस मसल साइज, अगर आपका भी सेम गोल है, आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, मसल साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या सप्लीमेंट लेना है आपको, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पर उससे पहले मैंने भैयाओं से एक प्रॉमिस भी ले लिया है, भैया डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे ना? बिल्कुल अच्छे से फॉलो, एक्सरसाइज डेली करेंगे ना? डेली करेंगे। तो भैया ने वादा कर दिया है कि एक्सरसाइज डेली करेंगे, डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे, और मेरा वादा है कि इनका वजन भी बढ़ेगा और मसल साइज भी बढ़ेगा। कैसे, क्या सप्लीमेंट है, अगर आप भी सेम चीज चाहते हैं वजन प्लस मसल साइज, तो क्या लेना है आपको भाई? सबसे पहले तो टेस्टो पावर, जैसा कि मैं कहता हूं कि प्रोटीन कोई भी चल रहा हो, टेस्टो पावर जरूर लो मसल साइज गेनिंग के लिए। और भैया ने लिया है यहां पर पावर प्लस मसल्स गेनर, इसी के साथ लिया है एनर्जी प्रो। दोस्तों ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, या मैं कह सकता हूं गदर कॉम्बिनेशन है, अगर आप मसल साइज के साथ साथ वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पावर प्लस मसल्स गेनर, जिसके अंदर 22 ग्राम प्रोटीन है, 25 ग्राम कार्ब्स हैं, सारे विटामिन मिनरल्स हैं, तो ये लेना है आपको। टेस्टो पावर रात को दूध के साथ, नेचुरल साइज गेनिंग सप्लीमेंट है, कोई डेनाबॉल नहीं, कोई एंड्रोल नहीं, कुछ ऐसी टैबलेट गलती से भी मत लेना। नो डाउट उनके रिजल्ट सुपर फास्ट है, पर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो स्टीरॉयड से दूर रखेंगे आप अपने आप को, और बाकी आपको जाने दूंगा भी नहीं तरफ, क्योंकि परिवार हो आप सब। तो यहाँ पर मसल्स गेनर, अब यहाँ पर भैया चाहते हैं कि भैया आपका कम से कम 3-4 किलो वजन बढ़े, वजन बढ़ जाए, 3-4 किलो वजन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं मसल्स गेनर से, तो आपको ये आधा आधा स्कूप दिन में 3 बार बनाना शेक में लेना है, आधा स्कूप लेना है आपको एक्सरसाइज करने के बाद, आधा लीटर दूध में, साथ में बनाना, ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स, आधा स्कूप लेना है। जैसे भैया जाते हैं शाम को, तो शाम को लेंगे ये एक बार जिम से आने के बाद, आधा स्कूप दूध में साथ में बनाना, एक बार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लेंगे, और एक बार लंच करने के 2 घंटे बाद लेंगे। इस तरीके से आपको ये यूज करना है, आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार। अगर आप 3-4 किलो वजन बढ़ाना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो वजन ज्यादा ना बढ़े, 1-2 किलो बढ़ जाए और मसल साइज आए, तो आपको ये लेना है 1 चम्मच पूरा जिम के बाद पानी में, साथ में 1-2 केला, और आधा चम्मच आपको ये लेना है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाना शेक में। समझ रहे हैं आप, लेना 1.5 चम्मच ही है, पर वजन ज्यादा बढ़ाना है तो आधा आधा दिन में 3 बार बनाना शेक में, और वजन कम बढ़ाना है तो 1 चम्मच जिम के बाद पानी में, 1/2 चम्मच बनाना शेक में। और ये एनर्जी ड्रिंक जो कि नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक है, जिसके अंदर आपको BCAA, EAA, भाई ग्लूकोज तो है ही, ग्लूटामीन, सिट्रुलिन सब मिलेगा, और प्राइस है 450 रुपये। दोस्तों काफ़ी बार आप मेरे से कहते हैं कि भैया हमारा बजट नहीं है बिल्कुल भी, हम क्या कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय आप 1000-2000 रुपये वाले गेनर और प्रोटीन के चक्कर में पड़ो, आप ये एनर्जी प्रो ले लो, यही बहुत बढ़िया है। बाकी वो 1000-2000 रुपये ना आप अपनी डाइट में लगा दो, वो बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है पावर प्लस मसल गेनर 4500, 1700 का है टेस्टो पावर, 450 का एनर्जी प्रो, ये कंप्लीट स्टैक भैया को मिला है ओरिजिनल GST बिल के साथ, दूसरे GST बिल, और यहाँ पर एक टी-शर्ट, शेकर, सप्लीमेंट सुला की तरफ से भाई को गिफ्ट है, ये दूसरे भाई के लिए गिफ्ट सप्लीमेंट सुला की तरफ से। अब यहाँ देखें तो नो डाउट भैया ने यहाँ पर जो है यार इतनी दूर से भी आए हैं, बिहार में, भैया बता रहे थे कहाँ से आए जी आप? बेतिया जिला, चंपारण के पास से आए हैं। अच्छा कितना किलोमीटर दूर होगा यहाँ से? कम 1200 किलोमीटर। और मुझे ऐसा लगता है यार कि आने जाने में कम से कम 2-3 हज़ार तो खर्च हो जाएंगे। 5-4 दिन लगता है, 2 दिन इधर से और 2 दिन उधर से, 4 दिन और 2-3 हज़ार का तो खर्चा ही जाता होगा यार, ट्रेन से आएंगे तब भी 2500 रुपये तो खर्चा हो गया, 2500 खर्चा हो गया, 2500 और होगा, 5000 का वहां से खर्चा कर दिया, 1000-1500 का यहाँ टैक्स दे दिया। मैं पूछना चाहूंगा और भाई से पूछूं एक और चीज, भाई आप जो पैसे कमाते हो मेहनत का पैसा है ना? पूरा मेहनत, बिल्कुल, हम कोई काम करते जो टाइल लगते हैं, देख रहे हैं टाइल का काम करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं तब कमाते हैं, तब कमाते हैं, देख रहे हैं आप। और उसके बावजूद भी यहाँ 5000 वैसे खर्च कर दिए। देखो वैसे तो मंगा सकते थे, ऑनलाइन कोरियर सर्विस है, वो मेरे भाई मेरे पास आ भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम, पर फिर भी 5000 आने जाने में खर्च कर दिए, 1000-1500 का टैक्स यहाँ दे दिए। पूछना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है भाई पैसा देखना चाहिए, पैसा कोई मैटर नहीं करता है, सेहत का सवाल है दोस्तों। मतलब देख रहे हैं दिन रात मजदूरी करने वाले जो भाई हैं हमारे, और ये बड़ी अच्छी बात है, सब जिम जा रहे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जहाँ सेहत की बात है वहाँ पैसा नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सिर्फ सप्लीमेंट्स मिला से लो, तो आप भी विजिट कर सकते हैं और ये कंप्लीट स्टैक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए यार, आपको वजन कम करना है तो आइसोलेट प्रोटीन, फैट बर्नर, मास गेनर, आपका जो BCAA, EAA, कुछ भी आपको चाहिए ओरिजिनल वाला, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट ब्रांड ही बताऊंगा। आपकी कॉल आती है कि भैया ये वाली ब्रांड मिल जाएगी क्या, तो मैं आपसे कहता हूं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यूं ही एरी गैरी ब्रांड को सप्लीमेंट्स वाला सेल नहीं करता,
और एरी गैरी ब्रांड का मतलब ये नहीं कि भैया कोई नई ब्रांड नहीं, बहुत सारी ऐसी ब्रांड है मार्केटिंग में अंधा पैसा खर्च कर रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हायर कर रखे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, सेलिब्रिटीज को देते हैं, फिर वीडियो शूट कराते हैं, मार्केटिंग करते हैं, गूगल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, सब जगह ऐड आ रही है, पैसे से तो ऐड आ रही है दोस्तों। मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो क्वालिटी में जीरो पैसा है। वो ब्रांड सप्लीमेंट्स वाला पर नहीं मिलेंगी, चाहे पॉपुलर हो चाहे अनपॉपुलर हो, आपको सप्लीमेंट्स वाला पर वही ब्रांड मिलेंगी, वही प्रोडक्ट मिलेंगे जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो जुड़े आप भी सप्लीमेंट्स वाला के साथ, इतना सस्ता उतना सस्ता सप्लीमेंट ना खरीदें, ओरिजिनल लें सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से। और बाकी यहाँ पर भैया ने बताई दी है सारी चीज़ें, फैमिली वाली फील सब कुछ आपको मिलेगा। और एक और चीज़ बता दूँ, भैया तो आ गए जैसे दूर से, अगर आप नहीं आना चाहते तो आप कोरियर सर्विस भी ले सकते हैं, ऑल ओवर बिहार या ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सप्लीमेंट्स वाला की फ्री ऑफ कॉस्ट कोरियर सर्विस अवेलेबल है। या फिर आप हमारे आउटलेट्स विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आप हर जगह जो है आउटलेट ओपन हो रहे हैं सप्लीमेंट्स वाला के, और जितने भी आउटलेट्स हैं वो सब आपके अपने आउटलेट्स हैं, एक भी आउटलेट फ्रेंचाइजी बेस नहीं है। कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप? आप जा सकते हैं दिल्ली कालका जी, आप जा सकते हैं पलवल हरियाणा, मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा, यहां पर आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, गूगल मैप पर लोकेशन है। और जल्दी ही ग्वालियर मध्य प्रदेश में आउटलेट ओपन होगा, और उसके बाद में भैया कह रहे हैं कि भैया हमारा काम जो है चंडीगढ़ भी लगता रहता है, चंडीगढ़ की भी डिमांड कर रहे हैं, बिहार में भी करना है मुझे आउटलेट ओपन। पर भैया धीरे धीरे होंगे, क्योंकि इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि भैया एकदम से 10 आउटलेट ओपन कर दूं, क्योंकि आप भी जानते हैं यार इन्वेस्टमेंट लगती है सारी चीजें, और फिर फ्रेंचाइजी वाले नहीं है, सब आपके अपने आउटलेट्स हैं। इसलिए आप जहां पर नजदीकी आउटलेट है वहां विजिट करो, और नहीं विजिट कर सकते तो ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। और एक और चीज ध्यान रखो, सप्लीमेंट्स वाला पर सबसे ज्यादा पेरेंट्स विजिट करते हैं, ध्यान रखेंगे आप, माँ बाप का विश्वास सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला है, पूरे इंडिया का विश्वास सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला। तो जुड़ो, यहाँ पर भैया इतनी दूर से आए, इतने प्यार इतने सपोर्ट के लिए भाइयों का दिल से धन्यवाद करूंगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों भैयाओं का। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। आज को नमस्ते, निकली बार मिली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो सप्लीमेंट्स वाला के साथ। नमस्कार।